कहता हूं कि हिंदुत्व ही राष्ट्रित है, हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये संघ के जो स्वयंसेवक है वो राजनीति में डे टू डे संघ का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन संघ का स्वयंसेवक होने के नाते चाहे अश्वनी चौबे हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे मेरा पुत्र अर्जित हो, कोई भी हो जो देश के अंदर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में काम आ। और राष्ट्रवाद क्या है, हम ये कह सकते हैं कि हिंदू हिंदू जाति नहीं, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कार है, हिंदू इस देश की जीवन जीने की पद्धति है, हिंदू यहाँ की संस्कृति है, हिंदू यहाँ की सभ्यता है, तभी तो हिंदुस्तान बना, तभी तो इसको आर्यावर्त कहते हैं। इसलिए ये कहने वाला कि हिंदू को संप्रदाय से जोड़ने वाला ये दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, यही काम तो कांग्रेस ने जीवन भर किया। क्या चीज फिर आप पुत्र का क्या बोलते हैं, आप ये गलत बात मत बोलिए, नहीं सॉरी सॉरी आप ये गलत बात बोलते हैं, इसको स्वीकार मत करूंगा। आप भाई पुत्र ने कोई अपराध किया है तो फिर क्या, मैंने पहले जवाब दे दिया आपको कि हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारतीय नववर्ष मनाने के लिए अगर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा उसमें हमारा पुत्र भी रहा तो ये कौन सी बड़ी बात है। इसलिए देश की राष्ट्रीयता को हम आगे लाएंगे, हमारे चाहे कोई भी, हम गुंडागर्दी को प्राश्रय दे सकते, हम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले को साथ नहीं दे सकते, हम देश के अंदर शांति सुव्यवस्था और संस्कार क्षेम भारत बनाने के लिए, हम आतंकवाद को प्राश्रय नहीं दे सकते इस देश के अंदर, उस पाकिस्तानी आतंकवादियों को हम सहयोग नहीं कर सकते, और इसलिए हम उनके मनोबल को चूर करेंगे। ऐसे आतंकवादियों को चकनाचूर करने का ये भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है, और बखूबी हम ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कंट्रोल करेंगे। बड़ा आप लोग सर्कस देखे हैं ना, ये परसों क्या हुआ, ये बेंगलोर में सर्कस हुआ, सर्कस में भालू भी होते हैं, बंदर भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, और नाच करने वाले भी होते हैं, वो सर्कस की टीम है, और कोई ये सातों बहन चंपा जागो रे जागो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोको रुक के कहने से रुकने वाली नहीं है। देश की 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने भारत के नाम को रोशन करने का काम किया है, और हमने कहा कि लगभग 50 वर्षों तक, एक मिनट, लगभग 48 से 50 वर्षों तक या तो कांग्रेस की सरकार यहाँ रही देश में, राज्यों में भी अधिकांश जगहों पर, और या तो कांग्रेस समर्थित सरकारें रही, तो 50 साल और बनाम 4 साल हमारी लड़ाई साफ है, 50 साल बनाम 4 साल कांग्रेस के पीरियड में क्या देश को मिला है, देश की दुर्गति, देश में भ्रष्टाचार, देश में तानाशाही। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, कहां गए थे 75 में इमरजेंसी, मेरे जैसे लाखों लोगों को जेल में आपने बंद कर दिया था, जुबान बंद कर दिया था, प्रेस में ताले जकड़ दिए गए थे, काले प्रेस के अंदर छप के आता था और पूरा न्यूज काले पन्ने से लिख दिए जा पोत दिए जाते थे। ये जिसने लोकतंत्र की हत्या किया, कांग्रेस लोकतंत्र का हत्यारा है, कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है, कांग्रेस देश के अंदर अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाला अगर इस देश में कोई दल हुआ तो वो कांग्रेस है। और मुझे लगता है कि अब देश शांति चाहती है, देश सांप्रदायिक सद्भाव चाहती है, देश प्रगतिशील विकास की ओर आगे बढ़ना चाहती है, और नरेंद्र मोदी की सरकार एक विकसित भारत बनाना, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र से हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारा विपक्ष के लोगों से भी बराबर ये आग्रह होता है कि आप विपक्ष की राजनीति जरूर हमारे विरोध में बोलिए, लेकिन जहां जनता का कल्याण की बात होती है वहां साथ आइए। और ये सर्कस जो बना रहे हैं, ये पता है कि नहीं, ये चुनाव आते आते ये ए टीम जो है कहां बी और सी और डी टीम हो जाएगा, ये अपने आप में कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और ये बंगाल की खाड़ी में चला जाएंगे।